इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू में कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है। ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे 25 से 30 वर्ड्स हैं जो कि आपको इंटरव्यू के दौरान यूज़ करना मस्ट होता है, लेकिन इंटरव्यू बहुत शॉर्ट्स होते हैं, इसलिए कुछ ऐसे 10 वर्ड्स का मैं लिस्ट तैयार करी हूँ जो कि आप अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि आपके इंटरव्यूअर पर बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे 10 वर्ड्स हैं। स्टार्टिंग के 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बेसिक सबको पता होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाह रही हूँ। इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिविजन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एफर्मेशन कि आप लोग इस वर्ड्स को ज़रूर यूज़ करें इंटरव्यू में। तो आइए देखते हैं सबसे पहला वर्ड्स क्या है मेरा। फर्स्ट वर्ड इज गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। जनरली इंटरव्यूज जो स्टार्ट होते हैं वो 9 AM से स्टार्ट होता है, 9 बजे से स्टार्ट होता है और 2 या 3 बजे तक चलता है। यदि आपका इंटरव्यू 9 बजे से स्टार्ट होता है तो आपको गुड मॉर्निंग बोलना है 12 बजे के पहले अगर स्टार्ट हो गया, और अगर 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है तो आपको गुड आफ्टरनून विश करना है। जैसे ही डोर से एंटर करते हैं तब आपको इंटरव्यूअर के आई कॉन्टेक्ट से आई मिला के आपको उन्हें गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करना है। यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत लोग इसको बोलना ज़रूरी नहीं समझते हैं, जाते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। वहाँ पे मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून ज़रूर विश करना है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज थैंक यू। अब जब मैं इंटरव्यूअर को गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करती हूँ तो वो उसका रिप्लाई मुझे करते हैं, वो वापस से मुझे गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून विश करते हैं, एंड देन दे आस्क टू मी हैव अ सीट प्लीज़। तब मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है एंड से थैंक यू अलाउड एनफ। आपको शर्मा के नहीं बोलना है, आपको चेयर की तरफ देख के नहीं बोलना है, आपको आई कॉन्टेक्ट से आई मिला के आपको बोलना है। थर्ड वर्ड इज आई एम गुड या आई एम फाइन। फिर उसके बाद वो मुझसे पूछेंगे हाउ आर यू, तो जनरली लोग कह देते हैं गुड, ओके, फाइन। डोंट से दैट, जस्ट से इन द कंप्लीट सेंटेंस दैट आई एम गुड, आई एम ओके या आई एम फाइन। ये कंप्लीट सेंटेंस कहने से आपका वोकैबुलरी वाइज बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो ये तो स्टार्टिंग के 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सभी को पता है, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिविजन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। तो चलिए आगे के कुछ ऐसे वर्ड्स मैं देख लेती हूँ जो कि सबको नहीं पता होते, उन्हें कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एफिशिएंट या कैपेबल। एफिशिएंट और कैपेबल का सेम मतलब होता है, किसी भी चीज़ को करने के लायक। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जैसे आपके स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको वहाँ पे अपनी पॉजिटिविटी को आपको उनके सामने बताना है। कभी कभी डायरेक्टली वो आपसे ये पूछ देते हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पे आपके जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी पॉजिटिविटी है, तो वो वहाँ पे आपको बोलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आगे का कोई चांस ही ना मिले, आगे कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए, तो अगर जब भी आपसे पूछा जा रहा है तो वहाँ पे आप अपनी पॉजिटिविटी को खुद उनके सामने आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक सेंटेंस बोल सकते हैं और एक उसको एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं, जैसे कि आई एम एफिशिएंट या आई एम कैपेबल। कैपेबल के साथ ऑफ लगाना है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। सपोज कि आपके पास एक अच्छी मैनेजमेंट स्किल है तो आप वहाँ पे एक एग्जांपल देके बता सकते हैं कि मान लीजिए आप अपने स्कूल डेज में या अपने कॉलेज टाइम में आप कोई एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किए हैं, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आई एम एफिशिएंट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। टू गिव यू एन एग्जांपल दैट आई हैव ऑर्गेनाइज्ड एनुअल फंक्शंस इन स्कूल। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपना पॉजिटिविटी इंटरव्यूअर को बताना है, और अगर ये वर्ड्स अगर यूज़ करते हैं तो वोकैबुलरी वाइज आपका इंटरव्यूअर पे बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स क्या है। टीम या ग्रुप। आपको इंटरव्यू के दौरान अपनी पॉजिटिविटी में आपको टीम वर्ड्स या ग्रुप वर्ड्स का भी यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, जैसे केविन क्रू के इंटरव्यू के लिए या फिर आपके स्कूल्स टीचर्स या लाइब्रेरियन के इंटरव्यूज़ के लिए, तो फिर वहाँ पे जो होता है कहीं पे भी आप काम करते हैं तो वहाँ पे एक टीम होती है, आप अकेले काम तो नहीं करते हैं। जैसे
कि वहाँ पे आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपको वर्क करना होता है, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई क्लासेस ना हो, आपकी सबके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, तो वहाँ पे आपको बताना है कि आई वर्क एज अ टीम लीडर। सपोज कि आप स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क में एज अ टीम लीडर आप काम किए हैं, या फिर आप क्लास मॉनिटर रह चुके हैं, या फिर आप स्कूल में ग्रुप लीडर रह चुके हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप अभी स्कूल पास्ट हैं या फिर अभी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं और आप फ्रेशर्स हैं, तो आप अपने जॉब इंटरव्यू में ये बता सकते हैं कि अपने कॉलेज टाइम में ग्रुप लीडर रह चुके हैं, टीम लीडर रह चुके हैं। इस तरीके से बताने से अगर एक एग्जांपल के साथ अगर आप वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो फिर इंटरव्यूअर को ये पता चलता है कि अंदर एक अच्छा स्किल है जिससे कि आप ग्रुप लीडर की तरह आप काम कर सकते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। आवर नेक्स्ट वर्ड इज डेलीजेंट या हार्डवर्किंग। डेलीजेंट या हार्डवर्किंग दोनों का सेम मतलब होता है। अगर आप डेलीजेंट वर्ड यूज करते हैं तो आपका वोकैबुलरी वाइज बहुत ही अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ सकता है, और अगर आप डेलीजेंट वर्ड अगर आपको नहीं याद रहता है तो वहाँ पे आप हार्डवर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप हार्डवर्किंग बोलने में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं तो। तो देखिए इस वर्ड्स का काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो भी वर्ड्स यूज़ करना है अपने इंटरव्यू में आप एक एग्जांपल के साथ वहाँ पे ज़रूर उसको यूज़ करें। तो इस वर्ड्स का जैसे कि आप बता सकते हैं कि आई एम अ डेलीजेंट पर्सन, या आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई स्कोर दिस मच परसेंटेज इन स्कूल और इन इंटर, जो भी आप पास करें हैं, तो आप अगर अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो यहाँ पे इस वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे तो इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल पॉसिबल हैं, जैसे कि आप अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किए हैं, जैसे कि आप इंटर लेवल या स्टेट लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को खेले हैं, तो यू हैव टू थिंक ऑफ इट कि आपको वहाँ पे किस एग्जांपल के साथ आपको इस वर्ड्स को यूज़ करना है, बिकॉज इस वर्ड्स के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, तो वहाँ पे आपके लिए कैसे ट्रिपल है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड इज, द नेक्स्ट वर्ड इज encouraged या motivated। encouraged या motivated दोनों का सेम मीनिंग होता है। आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये पूछा जाता है कि why do you want to join this, तो अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि मैं सैलरी के लिए वहाँ ज्वाइन कर रही हूँ, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर मुझे यहाँ से 10-15 हज़ार भी ज़्यादा मिलेंगे दूसरी कंपनी में, तो मैं ये छोड़ के वो कंपनी ज्वाइन कर सकती हूँ। तो दैट यू शुड नेवर एवर स्पीक अबाउट सैलरी, आपको सैलरी के बारे में आपको वहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि वो आपको जानना चाहते हैं कि अगर आप सैलरी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो अगर आपको कल को किसी और कंपनी में यहाँ से ज़्यादा मिलेगा तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एनकरेज्ड या मोटिवेटेड वर्ड्स का यूज़ इसलिए करना है कि आप कितने उत्साहित हैं इस जॉब को ज्वाइन करने के लिए, आप में कितना जोश है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि आई एम वेरी एनकरेज्ड टू ज्वाइन एयरलाइन, या फिर आई एम वेरी मोटिवेटेड टू बी अ टीचर, या जिस भी चीज़ के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, तो वहाँ पे आप encouraged या motivated वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कि आपके इंटरव्यू पे बहुत ही पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ सकता है। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज विच इज पंचुअल। दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट वर्ड इन अवर जॉब इंटरव्यू। ये पंचुअल ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सभी लोग जाते तो हैं लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आपको बोलना है कि मैं बहुत ही पंचुअल हूँ, आई एम ऑलवेज ऑन टाइम, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम ऑलवेज पंचुअल, दोनों का सेम मतलब होता है। लेकिन या तो अगर आप इसको एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं आई ऑलवेज रीच देयर वेन एवर आई एम आस्किंग टू बी देयर, तो सारी चीज़ों का एक ही मतलब होता है। लेकिन आई एम पंचुअल बोलने से सेंटेंस ना कि शॉर्ट हो जाता है बल्कि टू द पॉइंट हो जाता है, और ये वोकैबुलरी वाइज आपके इंटरव्यूअर पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपको आई एम ऑलवेज ऑन टाइम ना बोल करके आई एम ऑलवेज पंचुअल बोलना है, जिससे कि आपका सेंटेंस टू द पॉइंट हो जाता है। तो आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। प्रोफिशिएंसी, स्किल्स या प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है आप किस चीज़ में ज़्यादा माहिर हैं। तो इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आपकी निपुणता या आपके अंदर वैसे कौन से स्किल्स हैं, कौन से ऐसे गुण हैं जो कि आप अच्छे से कर लेते हैं।
तो वहाँ पे आपको अपने स्किल्स के बारे में बताना है, जैसे कि वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर स्किल्स या व्हाट आर योर प्रोफिशिएंसी। तो वहाँ पे आपको बताना है कि वन ऑफ माय स्किल्स आर दैट आई एम अ गुड टीचर। आप अपने स्किल्स के बारे में ये बता सकते हैं, जैसे कि आप बहुत अच्छे टीचर से, आपके अंदर पढ़ाने की बहुत अच्छे गुण हैं, ये आपके अंदर गॉड गिफ्टेड है। तो कोई भी स्किल्स जो होता है वो कम नहीं होता है, तो वहाँ पे आप अपने स्किल्स के बारे में बता सकते हैं। आप कभी भी ऐसे स्किल्स को मत बताइए जो कि उनके लिए वो काम की नहीं हो। जैसे कि आप केबिन क्रू के इंटरव्यू में जा रहे हैं और वहाँ पे आप कहते हैं कि वन ऑफ माय स्किल्स आर दैट आई एम अ गुड टीचर, तो ये उनके लिए कोई काम की चीज़ नहीं होती है। तो आप वहाँ पे उन चीज़ों को बताएं, अपने स्किल्स को बताएं जो कि उनके जॉब की काम का चीज़ हो। तो वहाँ पे आप अपनी उस स्किल्स को या अपनी प्रोफिशिएंसी को बता सकते हैं। एंड द लास्ट एंड टेंथ वर्ड इज अकम्प्लिशमेंट। मीन्स अचीव करना, किसी भी चीज़ को अचीव करना। आप अपने स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आप बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप डिबेट कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किए हों, या फिर आप कोई भी गेम है जैसे कि वॉलीबॉल है, हैंडबॉल है, आप उसमें पार्टिसिपेट किए हो, आप बहुत सारी चीज़ों को आप अचीव किए हों, तो वहाँ पे आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछ रहे हैं कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वहाँ पे आपको अपने बारे में इन सारी चीज़ों को बताते हुए आपको अपने अचीवमेंट्स को भी बताना है, अपने अकम्प्लिशमेंट्स को भी बताना है। जैसे कि वन ऑफ माई अकम्प्लिशमेंट आर वोन स्टेट लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन या इंटर स्कूल लेवल डिबेट कॉम्पिटिशन, या फिर जो भी आपने अचीव किया है। तो वहाँ पे अगर आपको अकम्प्लिशमेंट वर्ड्स नहीं आता है, तो आप वहाँ पे उसको रिप्लेस करके एक लंबा सा डेफिनेशन जिसका होता है वो आप वहाँ पे वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कि पंचुअल आपको नहीं पता है, तो वहाँ पे एक लंबा सा वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई ऑलवेज रीच देयर ऑन टाइम। या फिर आप अगर पंचुअल बोल देते हैं, आई एम ऑलवेज पंचुअल, तो उससे आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। और अगर आपको नहीं पता है कि अकम्प्लिशमेंट मतलब क्या होता है, तो आप उसको रिप्लेस करके कुछ लंबा सा डेफिनेशन बोल देते हैं वहाँ पे, तो इंटरव्यूअर को ये पता चल जाता है कि आपको ये वर्ड्स नहीं आते हैं, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड्स थोड़े भारी ज़रूर लगेंगे, लेकिन इंटरव्यूज में आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स, जो कि स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स हैं जो कि बेसिक वर्ड्स हैं, बाकी के वर्ड्स जो हैं वो हमारे एक पॉजिटिव इंप्रेशन को शो करता है। तो इन सारे वर्ड्स को पढ़ाने का बताने का मेरा ये मकसद है कि आप कुछ भी सीखें, स्टार्टिंग से सीखें, धीरे धीरे सीखें, तभी आप ऊंचाई को छू सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने लगे, हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए, हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स पावर हो जाए। तो उसको सीखने के लिए हमें एक छोटे छोटे वर्ड से हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फिर हम इन सारे वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर कुछ नया लेकर के फिर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।